गिफ्ट मतलब होता है तोहफा, और सरप्राइज मतलब होता है आश्चर्यचकित कर देने वाला। यानी कि एक ऐसा तोहफा जो अचानक दिया गया हो, आश्चर्यचकित करने वाला। तो सरप्राइज गिफ्ट, आप सबको अपने अपने बर्थडे पे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलता होगा। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर उन छोटे छोटे बच्चों को क्या सरप्राइज गिफ्ट मिला, ठीक है? उन्होंने किस चीज को माना कि वो उनके लिए एज ए सरप्राइज गिफ्ट है। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कि तरुण एमिली हैज शिफ्टेड टू देयर न्यू होम द डे बिफोर। कह रहे कि एक दिन पहले ही तरुण और निधि वो अपने नए घर में शिफ्ट हुए थे, रहने गए थे। They were invited by the children of their neighbors to play together in the evening. उनके पड़ोसी के जो बच्चे थे, उन्होंने तरुण और निधि को इनवाइट किया था, आमंत्रण दिया था कि वो दोनों शाम में उनके साथ आकर खेल सकते हैं। As the clock struck five, both ran out of the house and reached the park. जैसे ही शाम के 5 बजे, दोनों तरुण और निधि घर से बाहर निकले और वो पार्क पहुंचे खेलने के लिए। But nobody was there. After almost half an hour, a few children came. लेकिन जब वो लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। फिर आधे से एक घंटे बाद, after almost half an hour, लगभग आधे घंटे बाद कुछ बच्चे वहां पे पहुंचे। निधि एंड तरुण केम टू नो दैट द ओनली पार्क इन द कॉलोनी वाज यूज्ड टू थ्रो गार्बेज। और निधि और तरुण को ये पता चला कि वो जो एकमात्र वहां पे पार्क है उनके कॉलोनी में, वहां पे लोग कचरे फेंकते हैं। गार्बेज मतलब होता है कचरा। वहां पे लोग कचरे फेंकते हैं। स्ट्रीट डॉग्स रोम्ड अराउंड देयर मेकिंग इट अनसेफ। और वहां पे जो रास्ते में भटकने वाले जो डॉग्स होते हैं वो वहां पे इधर उधर भटकते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चों के लिए क्या है, खतरा है, अनसेफ है। Children used to play in the open plot, but now after the construction of their house, that space had also been taken up. बच्चे जो है वो खाली जमीन पर क्या करते हैं, जाकर खेलते हैं जहाँ पे कोई घर नहीं बना हुआ है। लेकिन वहां पर भी अब घर का कंस्ट्रक्शन हो चुका है, घर बन गए हैं, तो वो स्पेस भी, वो जगह भी उनसे छीन लिया गया है खेलने के लिए। यानी अब उनके पास खेलने के लिए कोई जगह बचा ही नहीं। Nidhi and Tarun decided to clean the park. They discussed the problem with their mother. तब Nidhi और Tarun वो decide किए कि वो park की क्या करेंगे, साफ सफाई करेंगे। They discussed the problem with their mother. वो अपनी माँ के साथ इस problem को discuss किए। Mother talked to all the children and asked them to collect garbage in a proper way. जो उनकी मम्मी थी, उन्होंने सभी बच्चों से बात की और कहा कि कैसे वो सही तरीके से जो कचरे हैं, जो गार्बेज है, उनको कलेक्ट कर सकते हैं। She told them to put vegetable and fruit peels in one packet and broken plastic and glass in another instead of throwing them in the park. उन्होंने उनको बताया, बच्चों को बताया कि वो अगर गार्बेज कलेक्ट करते हैं तो उनको क्या करना है कि एक पैकेट में उनको वेजिटेबल यानी जो सब्जियां और जो फल के छिलके होते हैं उनको रखने हैं, और एक पैकेट में उनको जो टूटे हुए प्लास्टिक या ग्लास होते हैं उनको रखने हैं, ना कि उन सारे कचरों को वो पार्क में फेंके। She also told them to collect waste paper for recycling. और वो ये भी बताएं सबको कि जो भी पेपर होते हैं यानी कागज होते हैं जो खराब हो गए हैं, जिनका यूज नहीं कर सकते हो, उनको वो इकट्ठा करके रखें क्योंकि उसको दोबारा यूज किया जा सकता है रिसाइकलिंग के जरिए। She spoke to the sweepers and asked them to collect garbage from the houses and clean the park every day. जो तरुण और निधि की मम्मा है वो स्वीपर से यानी झाड़ू लगाने वालों से उन्होंने बात की और उनसे कहा कि वो उनके घर से रोज कार्बेज जो है, कचरे जो है वो कलेक्ट करे, इकट्ठा करे और पार्क की रोज सफाई करे। इन अ वीक्स टाइम द प्लेस वाज क्लीन। और एक हफ्तों के अंदर वो पूरा जगह क्या हो गया, साफ हो गया। नाउ मदर गेव अ सैपलिंग टू ईच चाइल्ड टू प्लांट इट इन द पार्क एंड टेक केयर ऑफ इट। फिर जो मामा थी उन्होंने हर बच्चे को एक सैपलिंग गिफ्ट दिया, यानी कि छोटा छोटा पौधा दिया उनको कि वो जाके पार्क में उसको प्लांट कर दे, उसको लगा दे और फिर उसकी वो लोग देखभाल करें। चिल्ड्रन वर सो
decided that none of them wanted to leave the sapling they had just planted. और बच्चे इतने ज़्यादा उत्सुक थे, इतने ज़्यादा excited थे कि उनमें से कोई नहीं चाहता था कि वो उस जो वो पौधे वो लोग लगाए हैं, उसको वो लोग वहाँ से छोड़ के जाए. They decided to have a picnic in the park on the weekend. और वो लोग decide किए कि वो लोग हफ्ते में एक बार weekend में छुट्टी वाले दिन पे वो लोग पार्क में क्या करेंगे, पिकनिक करेंगे. When the children reached the park on Sunday, they couldn't believe their eyes. The park, which they had cleared of garbage, had a bright green fence around it with a beautiful gate. जब children Sunday को पार्क पहुंचे तो वो अपनी आंखों पे बिल्कुल भी उनके विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि जिस पार्क में वो लोग सारे कचरे इकट्ठा कर रहे थे, उस पार्क की साफ सफाई कर रहे थे, उस पार्क के चारों तरफ एकदम हरा भरा जो था बाउंड्री बन गया था और एक बहुत सुंदर सा गेट लग गया था. इनसाइड देयर वर ब्रांचेस, देयर वर बेंचेस, स्विंग्स एंड स्लाइड्स पेंटेड इन ब्राइट कलर्स. और उस पार्क के अंदर क्या क्या लग गए थे, तो उस पार्क के अंदर बेंचेस लग गए थे, झूले लग गए थे, स्लाइड्स लग गए थे और वो सब सुंदर सुंदर कलर में पेंट हो गए थे. टू गार्डनर्स वर वेटिंग विद लॉट्स ऑफ प्लांट्स एंड ग्रास टू प्लांट देयर. वहां पे दो माली जो थे, गार्डनर्स जो थे, वो खड़े थे बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे ग्रास के साथ ताकि वो वहां पे उसको लगा दें, ताकि उनका पार्क जो है वो बिल्कुल ग्रीन ग्रीन नजर आए. This was a surprise for the children who saved the park. और यही चीज उन बच्चों के लिए क्या थी, सरप्राइज थी. The surprise, वो बच्चों के लिए ये सरप्राइज इसलिए थी क्योंकि जिस पार्क को वो खुद से साफ करने की कोशिश कर रहे थे, अब वो पार्क जो था उसकी उसको साफ करने और उसको हरा भरा बनाने में बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट करने लगे थे. और that was a surprise for all of them. और यही उनके लिए, उन सब के लिए क्या था, सरप्राइज था. तो ये एक सरप्राइज गिफ्ट था उन सभी बच्चों के लिए, जो जिससे उनको एक पार्क मिला जहाँ वो अच्छे से अब खेल सकते हैं, कैसे स्पेस जहाँ वो खेल सकते हैं, जहाँ वो एंजॉय कर सकते हैं और जिसके जरिए वो अपने नेचर के ब्यूटी में